आपके द्वारा हमारे ऊपर विद्यापीठ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के प्रशासन के द्वारा जो भी अन्याय हुआ है उसके लिए आप के सामने रूबरू हो रहे हैं। हमारी जमीन सर्वे नंबर 34 मौजे भावसिंहपुरा इसमें है, रजिस्ट्री के द्वारा उस खरीदी खाते 1968-69 में हमारी खरीदी हुई हुई है। 1970 में लैंड एक्विजिशन से सर्वे नंबर 30 का कुछ पार्ट हमारे जमीन डिलीट करके बाकी का पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक्वायर किया था और हमें हमारी जमीन बीच में आ रही थी, इसीलिए हमको सर्वे नंबर 34 के बाजू में हमको महाराष्ट्र शासन ने वहाँ पे जमीन बदल की दी। आगे चल के सर्वे नंबर 34 कुछ जगह विद्यापीठ ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनकी जमीन में कंपाउंड वॉल करना, तो उन्होंने हमारी 8 एकड़ जमीन के ऊपर भी कंपाउंड वॉल किया। तब से लेकर आज तक हम लोग विद्यापीठ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अन्याय के विरुद्ध हमेशा लड़ रहे हैं। आदेश आ गया था कि सर्वे नंबर 34 की गिनती करो, हम से गिनती मांग रहे हैं। सर्वे नंबर 34 में टोटल लैंड जो है वो है 33 एकड़ 29 गुंठा, उसमें के 25 एकड़ 29 गुंठा लैंड जो है वो विद्यापीठ की है और रिमेनिंग 8 एकर्स बिलोंग्स टू द नालंदा एंड पंचशील। लेकिन विद्यापीठ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके पीछे कोई जो कुछ लोग है वो ये नहीं चाहते कि वो सर्वे नंबर की गिनती हो, क्योंकि वहाँ पे सब दिख के आएगा कि इनकी जगह है इनकी नहीं। 1992 में खुद विद्यापीठ ने इसकी नप्ती की थी, उसमें भी वो नप्ती में भी हमारी 8 एकड़ जगह वहाँ पे दिखाई देती है। ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हाई कोर्ट के गिनती के आदेश के खिलाफ विद्यापीठ सुप्रीम कोर्ट दे, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दो ऑप्शन दिए कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, आप नीचे से कोर्ट कमीशन वगैरह बना के आपने काम करना था, इसलिए उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि मेरिट के ऊपर हम लोग एक तो आदेश देते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में की याचिका वापस लो, हम आपको लिबर्टी देते हैं कि आप फिर से 1-2 मतलब ABCD से नीचे से आप लोग फिर से आपका जो आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके बारे में दाद मांग सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 1968 से हमारी जब खरीदी खत हुआ, 1970 से ये मामला चल रहा है, हमारे दो पीढ़ी गए, दो जनरेशन गए इसके खिलाफ आवाज उठाने। उसके हर वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को विद्यापीठ ये जमीन दलित लोगों की है नहीं है, ये इन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो लोग अच्छे नहीं है, ऐसा कह के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा भूल करते हैं, इसीलिए हमें कोर्ट जाना था। 2009 में भी हम कोर्ट गए थे, 2009 में हमारी याचिका रिफ्यूज़ कर दी, विद्यापीठ की भी याचिका रिफ्यूज़ कर दी और वहाँ पे ऐसा कोर्ट ने मेंशन किया था कि आप लोग अनलेस अंटिल जॉइंट मेजरमेंट जब तक नहीं होता तब तक ये लैंड डिस्प्यूट या जो फोर्थ साइड का डिस्प्यूट है ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम भी तो वही मांग कर रहे हैं, हम अभी मांग वही कर रहे हैं कि ये सर्वे नंबर 34 की नप्ती हो, गवर्नमेंट नप्ती करे और वहाँ पे अगर हमारी 8 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा नहीं मिलती है तो हम लोग वापस ले लेंगे।
लेकिन विद्यापीठ क्या कहता है, पूरी सर्वे नंबर 30 पूरे उनकी जो 5-6 गांव है, 724 क्या कुछ घूमते हैं, वो पूरी नप्ती करो। अरे भाई, मेरे घर जहाँ पे है, मैं समता नगर में रहता हूँ, अगर मामला वहाँ का है तो नप्ती समता नगर की होगी ना, क्या गुलमंडी की होगी? तो सर्वे नंबर 34 की नप्ती होनी चाहिए, और वो भी भौसीपुरे की नप्ती होनी चाहिए। ये पूरे गांव क्यों मांग रहे हैं? इसमें कुछ ना कुछ तो छुपा है। ये आपके माध्यम से मैं सब मीडिया को बताना चाहता हूँ। कोई विद्यापीठ ने प्रेस नोट जारी करके ऐसा लिखा है कि नालंदा की पूरी याचिका खारिज कर दी, ऐसा नहीं है, वो दिशा भूल कर रहे हैं। विद्यापीठ ऐसी दिशा भूल क्यों कर रहा है? विद्यापीठ वो 8 एकड़ जमीन के में क्यों इंटरेस्टेड है? कुलगुरु इंटरेस्टेड है, कुल सचिव इंटरेस्टेड है, या फिर स्टेट डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड है, या कुछ और इंटरेस्टेड है, या हम लोग मागास जाति से आते हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर ये अन्याय हो रहा है? ये कुछ सवाल है जो मैं आपके माध्यम से ये उठा रहा हूँ। सर, ये पूरा